सामने को आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कॉफ़ी केक। ठीक है, तो अजवा बना रही है कॉफ़ी केक। तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स, कॉफ़ी, ऑयल और मैदा, और आपको चाहिए होंगे 2 अंडे। ठीक है, आपने सबसे पहले और हाफ़ कप चाहिए होगा आपको शुगर का। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अंडे तोड़ के एक बाउल में डाल देने हैं और चीनी भी डाल के उसको बीट करना है। जिस तरह से अजवा बीट कर रही है इसी तरीके से आपने बीट करना है। इतना बीट करें कि उसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि आपका बैटर फ्लॉफी सा हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो उसके अंदर 1 चम्मच आप कॉफ़ी का ऐड कर दें। ठीक है, फिर आप उसको दोबारा से बीट करें। बीट करने के बाद आप उसको फिर बंद करके उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दें। ठीक है, हमने हाफ कप ही ऑयल ऐड किया है और हाफ कप ही शुगर ऐड किया है, और 1 कप मैदा है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 1 पिंच सॉल्ट और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो आपने ऐड करके छान के रख देना है। उसके बाद आपने अच्छी तरीके से बीट करना है जिस तरह से अजवा ने बीट किया, और आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करके आप जो है 1 पाउंड के उसमें 1 कप के मोल्ड में इस बैटर को डाल दें। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस शेप में उसको रखना है। ठीक है, मैंने ये लिया लूफ पैन लिया, उसके अंदर मैं इसको जो है ना ऐड करूँगी, इसको टैप करूँगी और इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। आपने 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। हमारा केक बेक होके आ गया है, अब हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। उसकी फ्रॉस्टिंग के लिए आपको चाहिए आपने 1 चम्मच कॉफ़ी लेनी है, 2 चम्मच और उसको 2 चम्मच पानी में डिजॉल्व करना है। उसके बाद आप इसमें 1 कप तकरीबन शुगर चली जाएगी। अभी मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अजवा इसको मिक्स करने लगी है, उसके बाद हम इसको जब देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको अपने केक पे अप्लाई करेंगे। अभी इसका कलर चेंज नहीं हो रहा और ये बहुत ज़्यादा देखें आप पतली है, तो मैं इसके अंदर और आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। थोड़ी थोड़ी करके हमने आइसिंग शुगर ऐड करनी है, तकरीबन 1 कप के करीब हमारी आइसिंग शुगर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप देखें कि आपका बैटर थोड़ा थिक हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है आपकी कॉफ़ी का, तो आपने उसको जैसे ही हम देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, और ये देखें आप तकरीबन ये डन है। अब हम इसको अपने केक पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आपको अजवा दिखाएगी कि हमारे केक की कंडीशन क्या थी और इसको अप्लाई करने के बाद क्या होती है। ठीक है, ये रही इसकी लुक, आप देखें ये हमारा केक था जो बेक होके आया था। अब मैंने इसके ऊपर ये पोर कर दिया है और अब हम इसको स्लाइसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी फाइनल लुक है। ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कैसा लगा।